बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आयोडिक हाइड्राइड की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडिक हाइड्राइड डिस्कशन करते हुए स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं एल्कोहल, वाटर और हैलोजन एसिड से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कशन करूंगा और मैं यहाँ पर ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और 1A के एलिमेंट्स नहीं, असल में 1A की हाइड्राइड और ग्रुप 2A एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स के हवाले से डिस्कशन यहाँ पर मैं आपके साथ करूंगा, ठीक है। तो 1A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड स्टूडेंट, जब भी अगर हैलोजन एसिड से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, जब भी हैलोजन एसिड से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो हैलोजन एसिड पर हैलोजन पर चार्ज होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। आयोनिक हाइड्राइड में जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन पर चार्ज होता है नेगेटिव और मेटल एटम जो मौजूद होता है हाइड्राइड में उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेटल एटम जो स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट जो ग्रुप 1A का एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो रिएक्शन ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड की, तब उन्हें स्टूडेंट हम रिएक्शन कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ। तो यहाँ पर भी सेम वही वाली बात, मेटल एटम रिएक्ट हो जाएगा हैलोजन के साथ क्योंकि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर नेगेटिव और ये सारे हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हैलोजन एसिड की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, वो दो हैलोजन एसिड की आपको जरूरत पड़ेगी और एज अ रिजल्ट ग्रुप 2A का जो एलिमेंट है वो दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और इनके भी दरमियान आयोडीन बॉन्ड बनेगा और तमाम हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन है। आपका काम क्या, आपका जो है असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पर ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स की हाइड्राइड है आप वहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीडियम हाइड्राइड रखोगे और उसके हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराओ HCl, HBr, HF और HI ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसी तरह से ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड लेना, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर कैल्शियम, स्ट्रॉनियम और बेरिलियम हाइड्राइड को आपने HCl, HBr, HF और HI से रिएक्शन करा लें और जो प्रोडक्ट बनेगा आपने बताना है। और रिएक्शन अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ भी लेना, मुझे से कोई मसले की बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट सेक्शन पर जरूर रिप्लाई दूंगा। अच्छा, एक चीज़ अभी तो आपको नजर आ रही है कि भाई 1A की हाइड्राइड हो या ग्रुप 2A के एलिमेंट की हाइड्राइड हो, एक गैस जरूर बन रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। एल्कोहल से रिएक्शन चेक कर दें कि भाई एल्कोहल में क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब एल्कोहल से इनका रिएक्शन होगा ROH, ठीक है, सो एल्कोहल जब आपके पास स्टूडेंट आयोडिक हाइड्राइड यानी कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स की अभी हाइड्राइड है उससे रिएक्शन करने पर एल्कोहल जो बिहेव करेगा स्टूडेंट, एल्कोहल विल बिहेव एज एन एसिडिक ओवरहेड, क्योंकि एल्कोहल का जो बेसिक नेचर होता है वो आपके पास कम होता है, 1A के एलिमेंट्स के आयोडिक हाइड्राइड का बेसिक नेचर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बेस के तौर पर 1A के एलिमेंट्स के हाइड्राइड करेंगे और एल्कोहल जो है एसिडिक बिहेव करेगा, तो एल्कोहल टूट जाएगा आरओ नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव में और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर नेगेटिव, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्ट होकर के कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस और RO और ये कनेक्ट होकर के आपके पास क्या बनाने का, RO और ग्रुप 1A का एलिमेंट। जैसे अगर आपने यहाँ पर NaKH दे दिया यानी कि सोडियम हाइड्राइड और आपने यहाँ पर C2H5OH अगर आपने दे दिया, तो C2H5O और सोडियम आपस में रिएक्ट हो जाएगा और बन जाएगा C2H5ONa, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट आपके पास ये वाली हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर के क्या बना देगी, हाइड्रोजन गैस बना देगी। यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन जो स्टूडेंट डिस्कस करूँ, जैसे कि ROH मैंने यहाँ पर ले लिया और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड अगर मैं यहाँ पर लूंगा तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स की हाइड्राइड के साथ होगा क्या स्टूडेंट, अग्रीन आपको जो सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट का मकसद जैसे पिछले रिएक्शन में हैलोजन एसिड था और अभी एल्कोहल बन गया, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स लेने पर आपको वो दो मोल्स ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 2A का एलिमेंट जो है वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, RO नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा RO और ग्रुप 2A का एलिमेंट आपके पास और ये RO2 और ये ग्रुप 2A का एलिमेंट आपके पास यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये बन जाएगा आपके पास, जैसे आपने C2H5OH लिया और आपने जो है स्ट्रॉनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया, तो SRH2 का जब C2H5 से रिएक्शन होगा तो C2H5 2 और स्ट्रॉनियम आपके पास यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, यानी कि C2H5O ब्रैकेट के अंदर बाहर 2 और स्ट्रॉनियम आपके पास बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन करके आपके पास 2 मोल जो है हाइड्रोजन गैस आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है स्टूडेंट यहाँ पर भी आप देखें तो हाइड्रोजन गैस आपको बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और आखिरी रिएक्शन जो स्टूडेंट वाटर के साथ है, तो वाटर जब इसमें आपके पास रिएक्ट होगा, वाटर को मैं HOH से लिख सकता हूँ ग्रुप 1A के एलिमेंट की हाइड्राइड के साथ, तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा आपके पास, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अगेन कौन सी गैस बना देगी, हाइड्रोजन गैस और ये 1A का एलिमेंट और OH के साथ आपके पास यहाँ पर रिएक्ट करके क्या बना देगा, बेस।
ये वो रिएक्शन है जो कि प्रूव करता है स्टूडेंट हम ग्रुप वन के एलिमेंट्स के हाइड्राइड को हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड जो है सॉरी सलाइन लाइक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज सलाइन जब पानी के अंदर जाता है तो उसका जो पीएच होता है वो बेसिक हो जाता है, और वन ए के एलिमेंट्स के हाइड्राइड को वाटर से जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये जाकर के पानी में बेस बनाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ NaH ले लें वाटर से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ बनेगा NaOH और हाइड्रोजन गैस, तो पानी में जाने पर ये क्या करती है बेस बना देती है, ठीक है, तो उसका जो पीएच होता है स्टूडेंट वो बेसिक शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, और सलाइन सॉल्यूशन भी हम कह सकते हैं क्योंकि सलाइन सॉल्यूशन का पीएच जो होता है बेसिक होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सलाइन सॉल्यूशन के लिए कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबल आप कंसीडर करते हो बताना, तो ये रिएक्शन होता है, और वजह क्या है आयनिक हाइड्राइड को पानी में डालने पर वो अपनी बेस बनाती है जिसकी वजह से नेचर स्लाइटली बेसिक होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सलाइन लाइक हाइड्राइड, ठीक है, एंड दे आर यूज्ड एज अ सलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, पानी में मिलाकर हम इसे सलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सलाइन सॉल्यूशन क्या होता है जिसका नेचर थोड़ा सा बेसिक हो और ये आपके पास मौजूद होता है पानी, ठीक है। अच्छा, अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो किसका ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड का स्टूडेंट, ठीक है, तो अगेन आपके पास आपको सब्सट्रेट कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 2A के एलिमेंट्स के हाइड्राइड जो रिएक्शन कर जाएंगे तो 2A का एलिमेंट और 2H आपस में इस तरह से रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगी आपके पास अगेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने ले लिया कि आपने यहाँ पर लिया बेरियम हाइड्राइड, आपने ले लिया BaH2, वाटर से उसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर बनेगा BaOH2 और हाइड्रोजन गैस, स्ट्रॉन्शियम अगर आपने ले लिया है कैल्शियम ले लिया तो CaH2 वाटर से रिएक्शन होने पर CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सो ये तीन रिएक्शन है स्टूडेंट उसकी स्पेसिफिकेशन ये है। अच्छा, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट आप लोगों ने अब ईमानदारी से जो है इन सब के जनरल रिएक्शन जो मैंने आपको बता दी और समझाए भी आपको, आपने इन तमाम हाइड्राइड्स के ऊपर इन तमाम जनरल रिएक्शन को अप्लाई करना है, टूटने वालों के ऊपर टूटे हाइड्राइड वालों के ऊपर ये वाले रिएक्शन, ग्रुप बनने वाले हाइड्राइड्स के ऊपर ये वाले रिएक्शन आपने खुद से करना है, कहीं पर्सों का परेशानी तो मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन पर आपको इंशाल्लाह जरूर बता दूंगा, ताकि स्टूडेंट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, ताकि आपको जो है अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में आप एक कमांड हासिल कर लें, आप सीख जाएं कि भाई इसके रिएक्शन किस तरह से होते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर रही होगी स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज उसके तमाम जनरल रिएक्शन वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और आयनिक हाइड्राइड यहाँ तक डिस्कशन हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपके साथ यूजेस ऑफ आयनिक हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।